ओके फाइनल। चलिए जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें भी हमने जो है कुछ एक एक्ट पढ़े थे, तो इस पूरे यूनिट में आपके एक्ट्स जो हैं कुछ 6-7 तरह के एक्ट्स हैं, और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इन एक्ट्स में को अगर हम थॉरली पढ़ना शुरू करें तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में जो है ये एक्ट हैं, और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। दी स्लाइड्स विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये जो आज की जो स्लाइड है ये ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड की हुई है, और इसमें से जो इररेलेवेंट टॉपिक है जो हमारे क्वेश्चन बैंक के बैंक से जो हटके हैं उनको जो है मैंने इसमें से रिमूव कर दिया है, और कंप्लीट जो ऑफिशियल साइट से ये जो स्लाइड है जो पीपीटी है ये आप वहां से डाउनलोड करके अगर इच्छा हो तो आप वहां से कंप्लीट भी आप पढ़ सकते हैं। तो अभी जो है आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक्स वो विल बी रिलेटेड टू योर क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कि ये जो एक्ट है 1948 वाला, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इट इज 63rd एक्ट ऑफ 1948, और ये लागू जो हुआ था दैट इज ऑन 23rd सितंबर 1948। मेन पर्पस इस फैक्ट्री एक्ट 1948 का जो है वो ये है कि जो आपके लेबर से रेगुलेटिंग जो लॉज हैं, जो फैक्ट्रीज में जो लेबर काम करती है उनके लिए जो कुछ कानून बनाए गए हैं उनको अमेंड करने के लिए, उनको उनको कंसोलिडेट करने के लिए जो है ये एक्ट लागू किया गया इन इंडिया। अब कौन से लॉज हैं, वो बहुत सारे लॉज हैं, अगर चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, और इनमें काफ़ी सारे जो हैं अमेंडमेंट्स भी होते रहे हैं टाइम टू टाइम। तो बेसिक जो पर्पस है इसका वो हमारा जो है इस एक्ट को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट्स, तो इसके स्टार्टिंग में इसका जो है पर्पस जो है वो दिया हुआ है। तो बेसिकली जो इसके लॉज हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारे लेबर्स को इन द इंडस्ट्री इन द फैक्ट्रीज, तो उनके वेलफेयर के लिए, उनकी हेल्थ, उनके सिक्योरिटी के लिए या उनके वेजेस से रेमुनरेशन से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको अमेंड करने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए जो है ये लॉ इनेक्ट किया गया। अगर इस लॉ को हम थॉरली पढ़ना शुरू करते हैं, इसका चैप्टर 1 जो है जो इसका प्रिलिमिनरी है इसमें स्टार्टिंग में कुछ एक इसके शॉर्ट टाइटल जैसे इंट्रोडक्शन टाइप होता है हमारे बुक्स में भी, या किसी अगर जब आप थीसीज या प्रोजेक्ट फाइल जो है जनरेट करते हैं तो उसमें आपके कुछ स्टार्टिंग में जैसे इंट्रोडक्शन होता है उसी तरह से इसमें कुछ शॉर्ट टाइटल्स हैं, क्या कब कमेंस हुआ था, कब इसको इनेक्ट किया गया था इन इंडिया, तो ये सब चीज़ें जो इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं, और उसमें कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसमें यह है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर आप जाएंगे तो ये लॉ जो है ये वहाँ पर जो है वो लागू एज इट इज होगा। एंड इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949। तो 23rd सितंबर 1948 को इनेक्ट किया गया, लेकिन जो है एग्जिस्टेंस में जो है ये फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949, मतलब फर्स्ट अप्रैल को 1949 को ये लागू किया गया। फिर उसके बाद एक चैप्टर में इसका इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन का मतलब यहाँ पर कि जब इसमें हम कुछ टाइटल्स ऐसे यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या है, जैसे पूरे एक्ट में जहाँ पर भी ये नंबर 1 जैसे यहाँ पर है एडल्ट, तो एडल्ट मींस अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18th ईयर ऑफ एज। हमारे लिए कुछ नया नहीं है ये, एडल्ट मींस जो इंसान 18 साल की उम्र जो है वो तय कर चुका होता है, 18 साल से ऊपर का जो लड़का या लड़की जो है उसको हम एडल्ट कंसीडर करते हैं, तो कुछ नया नहीं है, बट इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि अलग किसी और कंट्री का, किसी और नेशन का अगर कोई आदमी आकर इस लॉ को पढ़ना शुरू करे तो वहां पर हो सकता है कि हमारा और वहाँ का जो है ट्रेडिशन और कल्चर डिफरेंट हो, तो उन सब के लिए जो है समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर इंटरप्रिटेशन देना जरूरी है। तो एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18th ईयर ऑफ एज। सिमिलरली एडोलेसेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज। जो 15 साल से ऊपर का जो बच्चा है उसको हम
एडोलेसेंट जो है कंसिडर करते हैं. सिमिलरली चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कम्प्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज. तो 15 साल से छोटा जो है उसको हम चाइल्ड कंसिडर करेंगे, 15 साल से बड़ा, बट 18 साल से छोटा छोटी एज है तो एडोलेसेंट, और 18 से ऊपर का जो जो बच्चा है उसको हम एडल्ट कहेंगे. तो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन वन. इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, इसमें से कुछ एक जो है मैंने मॉडिफाई कर दिया है हमारे क्वेश्चन बैंक के हिसाब से. तो सेक्शन टू इज ऑलवेज डिफाइन डेफिनेशन एंड इट्स मीनिंग. हमारे कुछ डेफिनेशन जो है उसके बारे में दिया हुआ, जैसे एडल्ट की डेफिनेशन है, एडोलेसेंट की डेफिनेशन है, चाइल्ड की डेफिनेशन है, तो हमारे पास इसकी कुछ डेफिनेशन. तो पहला जो आपका चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टाइप है और नंबर टू इज इंटरप्रिटेशन. इसी तरह से कम्पिटेंट पर्सन मीन्स, इसका मतलब क्या, इसका भी डेफिनेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है. इट मीन्स अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज एज सच बाय द चीफ इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट. तो इस एक्ट का जो हमारा इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर कहें, या फिर ऐसा एक आदमी जो कि इस एक्ट को अच्छे से जानता हो और लागू करता हो, इंस्पेक्ट करता हो, दैट इज कॉम्पिटेंट पर्सन. हैजार्डस प्रोसेस का मतलब ये, देखिए बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, ये सब आप जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है. तो थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, आई नो, तो आप देख सकते हैं और अपने लैंग्वेज में भी आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं. बट जब लॉ के पर्पस की बात आएगी तो वहां पर जो है आपको एज इट इज, जैसा कि लॉ में डिफाइंड है, एज इट इज जो है आप यूज कीजिएगा. उसमें कोई भी फेर बदल या अपनी तरफ से डेफिनेशन ना लिखिए. दिस इज वन सजेशन फ्रॉम माई साइड. तो हैजार्डस प्रोसेस मीन्स एक ऐसा प्रोसेस, हैजार्डस मतलब हमें पता है बिकॉज हम सब इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं. तो हैजार्डस एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है इंडस्ट्री में जहां पर कि कुछ हमें स्पेशल केयर जो है होनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर कि कुछ इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर कि कुछ पॉल्यूटेड या कोई जहरीली गैस या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो काम होते हैं, तो वो सारे जो प्रोसेस हैं जहाँ पर कि जान या माल का जो है खतरा हो, दोज आर हैजार्डस प्रोसेसेस. चाहे वो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाए उसमें, चाहे इंटरमीडिएट या फिनिश प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स, वेस्ट, किसी भी तरह का जो है अगर उसमें प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि दैट कॉजेज मटीरियल इंपेयरमेंट टू द हेल्थ और रिजल्ट इन पॉल्यूशन, तो दीज प्रोसेसेस विल बी कॉल्ड एज हैजार्डस प्रोसेस. स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ अथॉरिटीज जो है वो प्रोवाइड की गई हैं ताकि वो उस लॉ में शेड्यूल कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस या फिर वहाँ के कल्चर के हिसाब से, लेबर की डिमांड्स के हिसाब से, थोड़ी बहुत जो है अमेंडमेंट के लिए कुछ एक रूम्स जो हैं प्रोवाइडेड किए गए हैं, जिसमें कि पावर, किस तरह की पावर यूज़ हो रही है, प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन मशीनरी, मशीनरी हो सकता है कोई मशीनरी जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, ट्रांसमिशन मशीनरी एक ऐसी हम यूज़ कर रहे हैं इन द फैक्ट्री जो कि बहुत ऑब्सोलीट हो चुकी है, या फिर उसके चांसेस, उसको यूज़ करने से इसके चांसेस हैं कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है. तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी कि वो अमेंड कर सकती है या फिर उस मशीनरी को, उस पूरे प्रोसेस को जो है ऑब्सोलीट कर दिया जाए और उसको वहां से हटा दिया जाए. सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कि वी मेक, एल्टर और रिपेयर डिस्पोजल्स या पंपिंग ऑयल, वाटर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग की जाए, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग द पावर, कंपोजिंग टाइप्स. ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको हम स्किप कर सकते हैं. एज वी नो व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. वर्कर कौन होता है? सिंपल, एक ऐसा आदमी जो कि या तो खुद या किसी एजेंसी के थ्रू, जैसे कि जो ठेकेदार होते हैं वो भी जो है वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयज प्रोवाइड करते हैं, चाहे उसको नॉलेज हो चाहे ना नॉलेज हो. एज पर द डेफिनेशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्ट 1948, जो उसकी डेफिनेशन है मैं वो बता रहा हूँ, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मेनली वेदर फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट. रेम्यूनरेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ एक पिछले यूनिट में हमने इस टॉपिक को पढ़ा था. रेम्यूनरेशन मीन्स वो चीज जो पे ऑफ की जाती है टू द एम्प्लॉयर, टू द एम्प्लॉय, बाय द एम्प्लॉयर, जो सर्विसेज, जैसे जो लेबर जो है वो काम कर रही है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो फिजिकली जो है या मेंटली कहीं ना कहीं वो अपने अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में जो है एम्प्लॉयर पे ऑफ करता है टू द वर्कर, दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन, चाहे वो मॉनिटरी फंड में हो या फिर नॉन मॉनिटरी फंड में हो, तो दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन. तो
वो वर्कर कहलाएगा जो कि रेमुनरेशन के लिए या फिर रेमुनरेशन के लिए ना भी कर रहा हो सकता है किसी और वजह से जो है वो काम कर रहा है, फॉर द एक्सपीरियंस मेड बी फॉर एक्सपीरियंस, या फिर कुछ फैसिलिटीज जो है उसको प्रोवाइड की जाए, तो इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर किसी मशीनरी की क्लीनिंग, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, या प्रेमिसेस की क्लीनिंग के लिए किसी भी तरह के जो मैन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है उसके प्रेमिसेस के लिए क्लीनिंग या उसके मशीनरी की क्लीनिंग, तो ये सारे जो काम कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड वर्कर। फैक्ट्री वी ऑल नो कि क्या चीज होती है, फैक्ट्री एक ऐसा प्रेमिसेस है जहां पर कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस या अलग अलग तरह के जो काम है वहां पर जो है हम कर रहे हैं। इसमें एक सेक्शन में ये डिफाइंड है कि जितने भी यहाँ पर इस पूरे एक्ट में टाइम जो है, टाइम के रेफरेंसेस जो है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST में जो है वो टाइम्स यहाँ पर मेंशन है, कहीं पर भी इस पूरे एक्ट में जहाँ पर भी टाइम मेंशन होगा दैट विल बी एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। देन इन सेक्शन 6 जो है वी हैव समथिंग अबाउट द अप्रूवल्स, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज। तो कोई भी फैक्ट्री है उसको लाइसेंस या उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, उसको अप्रूवल मिलना जो है जरूरी है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो जिस भी स्टेट में फैक्ट्री लगाई जाती है तो वहाँ पे अथॉरिटीज जो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं वहाँ से अप्रूवल लेना जो है, या उस लाइसेंस या उसका रजिस्ट्रेशन उस फैक्ट्री का होना जो है वो जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उस फैक्ट्री में कहीं इस तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो नहीं है जिसकी वजह से आसपास के इलाके में कोई डेंजर हो जाए, कोई हैजार्डस मटेरियल या उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो हैजार्डस हो, पॉल्यूशन ऐसा हो, पॉल्यूटिंग गैसेस हो डेंजरस जो कि जहरीली गैसेस जैसे होती हैं, उसका फ्यूम जो है वो बाहर तो नहीं आ रहे हैं, या जो उसमें प्रोसेस है जो उसमें मशीनरी यूज हो रही है वो सही है या नहीं, ताकि आप जो वर्कर वहां पर काम करेंगे उसकी हेल्थ और सेफ्टी, ये जो वेलफेयर है उसको इंश्योर किया जाए कि उसको कितने कितने जो है रेमुनरेशन मिलेगा, उसके फैसिलिटीज क्या क्या है जो वहां पर वर्कर काम करेगा। तो ये सारी चीजें देखने भालने के बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज अप्रूवल देती हैं, लाइसेंस देती हैं और रजिस्टर करती हैं उस फैक्ट्री को, ताकि उस फैक्ट्री का सेटअप हो सके। तो कुछ एक बाकी फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट होती रहती हैं। तो रजिस्ट्रेशन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या एक्सपायर हो जाए तो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो है उसको रिन्यू किया जाता है, और उसके लिए जो है अलग से पेमेंट, प्रिस्क्राइब फीस जो है वो देकर आप उस लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। देन चैप्टर 2 कवर्स अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंडर में कुछ 7-8 तरह के जो है अथॉरिटीज हैं अलग अलग। यहाँ पर मेनली जो हमारे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारा जो सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर, इसके लिए हमारे जनरल ड्यूटीज जो ऑक्यूपायर की हैं उसको ही हम डिस्कस करेंगे। तो हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर एक एक करके जो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज हेल्थ, जो कि चैप्टर 3 ऑफ दिस एक्ट में कवर किया गया है। तो हेल्थ बेसिकली जो हमारा वर्कर जो है, लेबर जो है, उसकी हेल्थ के लिए हम कुछ एक पॉइंट्स को जरूर ख्याल में रखेंगे फैक्ट्री में, जैसे कि सेक्शन 11 में कवर किया गया है क्लीनलीनेस, साफ सफाई, साफ सफाई होना, हाइजीनिक एनवायरनमेंट जो है वो होना बड़ा जरूरी है फॉर द हेल्थ ऑफ द लेबर जो वहां पर काम करेगी, क्योंकि एम्प्लॉय अगर अच्छे वातावरण में, हाइजीनिक एनवायरनमेंट में जो है काम करेगा तो उसकी साफ सफाई होगी तो उसके बीमार होने के चांसेस कम होंगे। सिमिलरली उसके साइकोलॉजिकल जो मेंटल जो स्टेट है वो भी जो है वो अच्छी रहती है। तो क्लीनलीनेस में बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, इसको हम थोड़ा डीप में जब इसको जाकर पूरा थॉरली पढ़ेंगे तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँ कि उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि हफ्ते में एक बार जो है आपकी कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब आप स्वीपिंग करते हैं या सफाई करते हैं तो कम से कम एक बार जो है वो आप ज़रूर जो है पानी से, जो जैसे पोछा हम घर में लगाते हैं उसी तरह से पानी से आपकी सफाई होनी ज़रूरी है पूरे प्रेमिसेस की। 2 या 3 दफ़ा जो है आपको उसका डस्टिंग होना ज़रूरी है। इसी तरह से जो उसके वॉशरूम्स हैं उसकी सफाई के लिए कुछ अलग नियम है कि वहाँ पर 2 या 3 दफ़ा जो है सफाई होनी ज़रूरी है, वहाँ पर जो डिसइनफेक्टेंट्स हैं वो यूज़ होने चाहिए। तो इस तरह से कुछ एक पॉइंट जो है वो क्लीनलीनेस में कवर किए गए हैं।
देन सेक्शन 12 में डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। तो जो आपका वेस्ट जो आप डिस्पोज करते हैं उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे आपके कॉलेजेस में भी कुछ नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा जो डस्टबिन्स हैं उसके अलग अलग कलर्स के, येलो ब्लू ग्रीन कलर के अलग अलग तरह के डस्टबिन जो हैं लगाए गए हैं। कौन कितना यूज करता है ये तो मैं नहीं कह सकता, बट प्रॉपर जो है चैनलाइज किया गया, प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है कि आपके जो वेस्ट हैं या जो एफ्लुएंट्स हैं जो फैक्ट्री से बाहर आते हैं उसका डिस्पोजल जो है वो सही तरीके से और कायदे से हो, क्योंकि उसमें किस किस तरह की जो है आपके वेस्ट हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका डिस्पोजल मेथड भी डिफरेंट जो है हम यूज करते हैं। देन सेक्शन 13 में वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर हो सकता है किसी फैक्ट्री में इस तरह का प्रोसेस हो रहा है जहां पर कि टेम्परेचर राइज हो जाता है, जहां पर भट्टियां लगी हुई हैं, फर्नेसिस लगी हुई हैं, वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, एरेशन के लिए कूलर्स हैं, पंखे हैं, या वट एवर प्रोसेस वी यूज टू कूल डाउन द प्रेमिसेस। तो टेम्परेचर्स को कंट्रोल करना या वेंटिलेशन के लिए जो है इस सेक्शन 13 में बताया गया है। डस्ट एंड फ्यूम्स अगर जनरेट हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कोई मशीनरी लगा रहे हैं या इस तरह का हमने ओपन एनवायरनमेंट जो है हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन है। देन आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर हो जाता है, तो वहां पर आर्टिफिशियली हम ह्यूमिडिफाई करते हैं। आपने डीआई का सेमिनार हॉल देखा होगा, वहां पर आर्टिफिशियली ह्यूमिडिफिकेशन जो है हम करते हैं। सेंट्रल ऑफिस में भी देखा होगा, तो ऑफिस में हम आर्टिफिशियली ह्यूमिडिफाई करते हैं जिसमें कि पानी की बहुत छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं या फ्यूम्स जिसको हम कह सकते हैं, बहुत टाइनी ड्रॉपलेट जो हैं वो स्प्रे की जाती हैं, तो आर्टिफिशियली उसको उस एनवायरनमेंट को ह्यूमिडिफाई करने से टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। देन ओवरक्राउडिंग, इसमें ये चीज डिस्कस की गई है कि जितना एरिया है उसके हिसाब से आपके कितने लोग उस प्रेमिसेस में काम कर सकते हैं, ओवरक्राउडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि ओवरक्राउडिंग से क्या होता है, एक तो सफोकेशन होता है जिससे कि हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और दूसरा यह है कि वहां पर इतना ज्यादा ओवरक्राउडिंग होने से एक दूसरे के लिए जो है आप हर्डल्स क्रिएट करते हैं और उस वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन लाइटिंग प्रॉपर है या नहीं, लाइटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, अगर जहाँ पर बहुत ज्यादा आई साइट का काम है तो वहां पर लाइटिंग और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि जो है स्ट्रेन ना पड़े और ऑक्यूपेशनल डिजीजेज ना हो। ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुछ फैसिलिटीज दी गई हैं कि यहाँ इसमें भी कुछ एक क्लॉजेज हैं कि पानी जो है वो ठंडा होने के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी फैक्ट्री में 100 या 100 से ज्यादा लोग हैं तो वहां पर अगर लेबर की डिमांड है तो वहां पर ठंडे पानी की मशीन होनी चाहिए, अगर 100 से कम है तो इट इज नॉट नेसेसरी एज पर दिस एक्ट कि वहां पर ठंडे पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, चाहे वो गर्मी है चाहे सर्दी है, बट अगर 100 से ज्यादा है और उनकी डिमांड है तो यू हैव टू प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर, और उस जो कि बहुत मशीन जैसे ठंडे पानी की है वो लगानी जरूरी है। सिमिलरली लेटरिन्स एंड यूरिनल्स के लिए कुछ एक यहाँ पर सेक्शन में डिस्कशन है कि लेटरिन्स और यूरिनल्स की दीवारें कितनी ऊंची होनी चाहिए और सफाई जो है कितनी बार हो कितनी बार नहीं हो, वहाँ पर प्रॉपर उसका सीवरेज सिस्टम जो है वो डेवलप्ड है या नहीं है, और सेक्शन 20 में स्पिटून्स जो थूकदान है वो प्रोवाइड करने चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी थूक सकते हैं आप, तो स्पिटून्स जो है दैट शुड बी प्रोवाइडेड ऑन सर्टेन एरिया जहाँ पर कि आप जाकर यूज कर सकते हैं, थूक सकते हैं। देन हेल्थ के बाद जो है सेफ्टी, सेफ्टी में हम कवर करते हैं सेक्शन 21 में फेंसिंग ऑफ द मशीनरी, मशीनरी की फेंसिंग है या नहीं। इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे चेन आपकी जो साइकिल की चेन है उसके चेन के ऊपर कवर होते हैं, ऐसी टायर्स जो मूविंग पार्ट्स हैं आपके मशीन के, जैसे हमारे साइकिल के जो टायर हैं उसके ऊपर भी मड गार्ड्स होते हैं, तो उसी तरह से मशीनरी के जो मूविंग पार्ट्स हैं उसके ऊपर फेंसिंग है या नहीं, उसके गार्ड्स लगे हुए हैं या नहीं, उन सब चीजों को जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया कि आपके मूविंग पार्ट्स, मैं मेनली दोबारा फोकस कर रहा हूँ, जो मूविंग पार्ट्स हैं मशीनरी के उनके ऊपर गार्ड्स होने जरूरी हैं, और अगर कोई ऐसी मशीन है जिस जो कि बहुत हैजार्डस है तो वहां पर फेंसिंग होनी जरूरी है। आपने कई बार देखा होगा कि बाहर लिखा होता है एंट्री इज प्रोहिबिटेड, तो उसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कोई ऐसा मशीनरी है या ऐसा कोई मटेरियल है जो कि विदाउट सुपरविजन किसी को यूज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपसे आपको ना नॉलेज नॉलेज ना होने की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो फेंसिंग ऑफ मशीनरी जो है दैट इज इंपॉर्टेंट।
देन वर्क ऑन और नियर मशीनरी इज इन मोशन, आप किसी एक मूविंग मशीन से कितनी दूरी पर रहकर काम कर सकते हैं। आप लोगों में से जो एनसीआर में गए होंगे, मेट्रो के पास में जब आप मेट्रो आ रही होती है प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर एक येलो लाइन बनी हुई है, और यही सजेशन दिया जाता है कि उस येलो लाइन से पीछे रहें, जब मेट्रो आती है तो उस लाइन से पीछे रहेंगे। तो इस तरह से जो कोई मशीनरी है तो उसके भी जो है एक कितना नजदीक जो है आप रहकर काम कर सकते हैं वो बताया गया है। देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन और ऑन डेंजरस मशीन्स, कोशिश यही की जाए जो डेंजरस मशीन्स हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहने की ज़रूरत है, वहाँ पर जो यंग पर्सन हैं उनका एम्प्लॉयमेंट किया जाए, क्योंकि दे आर एक्टिव मेंटली एंड फिजिकली बोथ, तो डेंजरस मशीन्स को जो है वो ही लोग हैंडल करें, या एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो हैंडल करें। देन स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, पावर को कटिंग करने के लिए जो गियर्स या डिवाइसेस, ताकि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स तो हम जो है पावर को कट ऑफ कर सकें इमिजिएटली। देन सेल्फ एक्टिंग मशीन्स के लिए जो आप ऑटोमेटिक हैं उनके लिए कुछ एक नॉर्म्स हैं। केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी इज सेम जैसे मैंने आपको गार्ड्स के बारे में बताया मशीनरी की। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स, तो वहाँ पर जो वुमेन्स हैं, लेडीज हैं, या जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता नियर कॉटन ओपनर्स। हॉइस्ट एंड लिफ्ट के लिए अगर ज़्यादा ऊंचाई है तो लिफ्ट होना ज़रूरी है, हॉइस्ट होना ज़रूरी है, लिफ्टिंग मशीन, चेन रोप्स के लिए, या इस तरह की जो आपके पास मशीनरी होना ज़रूरी है ताकि लोड लेबर के ऊपर ज़्यादा ना पड़े, ऑक्यूपेशनल डिजीजेज का चांसेस कम हो जाए। और रिवॉल्विंग मशीनरी है तो उसको किस तरह से हम यूज़ करें, तो दीज आर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उसमें डिस्कस किए हैं, जैसे प्रेशर प्लांट है, फ्लोर स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, किस तरह से उसको एक्सेस किया जा सकता है, पिट सम्प ओपनिंग इन द फ्लोर, एक्सेसिव वेट कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर है तो हमें कोई मशीन यूज़ करनी है, अगर कोई ऐसा जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर आईज की प्रोटेक्शन के लिए शील्ड्स हैं या नहीं है, तो प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैसेस, तो आपको मास्क प्रोवाइड किए जाएँ, कोई इलेक्ट्रिक लाइट है पोर्टेबल तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, एक्सप्लोजिव मटेरियल है जिसमें इन्फ्लेमेबल डस्ट या गैस है तो उसको किस तरह से यूज़ करना है, क्या नियम है, और अगर आग लग जाती है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है लगे होने चाहिए, तो इस तरह से कुछ एक बहुत सारे जो है पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं आपकी सेफ्टी के लिए। तो सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ऐसा ना हो कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है और किसी भी टाइम पे वो टूट फूट जाए और उसकी साथ साथ मेंटेनेंस ना हो, तो मेंटेनेंस साथ के साथ अगर बिल्डिंग की होती रहेगी तो सेफ्टी जो है एम्प्लॉय की जो वहाँ पर काम कर रहा है वो रहेगी। अगर पुरानी बिल्डिंग हो जाएगी तो कभी भी पता चला कि भूचाल आया और वो जो है बिल्डिंग गिर गई, मेंटेनेंस जो है साथ के साथ होती रहे, तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट जो है इस सेफ्टी में डिस्कस किए गए हैं। और इसके सेक्शन बी में जो है 40 के सेक्शन बी में सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। सेफ्टी ऑफिसर एक वो आदमी है फैक्ट्री के अंदर जो कि बेसिकली उसका काम ही है कि सेफ्टी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको टेक केयर करना। सेफ्टी ऑफिसर अलग से किसी फैक्ट्री में होना जरूरी है तब जबकि किसी फैक्ट्री में 1,000 या उससे ज्यादा लोग हैं, और या फिर जहां पर कि रिस्क इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, बॉडी की इंजरी हो सकती है, पॉइजनिंग या डिजीज इस तरह का है, मतलब कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो कि हमारी हेल्थ के लिए हैजार्डस है, तो इस तरह के जो लोकेशंस हैं या फिर जहां पर 1,000 से ज्यादा लोग हैं वहां पर हर फैक्ट्री में एक सेफ्टी ऑफिसर जो है स्पेसिफिकली अपॉइंट करना जरूरी है। उनकी ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन या कंडीशंस क्या हैं वो जो है प्रेस्क्राइब्ड हैं इस पूरे आर्टिकल में, कि इसके लिए सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और क्या कंडीशन ऑफ सर्विस है। ऐसा ना हो कि वो जो है खुद इस लायक ना हो कि वो काम कर सके और उसको हमने अपॉइंट कर दिया, पता चला वो जो है किसी बीमारी से ग्रस्त है और वो जो है सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो सेफ्टी ऑफिसर्स की क्या क्वालिफिकेशन है और कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं, दोज आर मेंशन एंड प्रिस्क्राइब इन दिस एक्ट। और तीसरा जो मेन पॉइंट है दैट इज वेलफेयर, ये तीनों पॉइंट बड़े आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर। तो तीसरा जो वेलफेयर है, वेलफेयर में हम फैसिलिटीज की बात करते हैं बेसिकली, कि उसके सेक्शन 42 में वॉशिंग फैसिलिटीज के बारे में, अगर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है और उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जो है, कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कि कुछ ड्रेसेस प्रोवाइड की जाती हैं, वो ड्रेसेस पहन के जो है वो काम करें लेबर, ताकि उनके जो ड्रेसेस हैं वो गंदी ना हो,
और उसके बाद वो ड्रेसेस जो हैं उनको 2 या 3 ड्रेसेस प्रोवाइड की जाती हैं, और जब वो काम करके जा रहे होते हैं तो वो अपनी ड्रेसेस जो चेंज कर सकते हैं। तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम वो आएंगे तो उनके जो कपड़े जो हैं वो जो ड्रेसेस हैं वो वॉश होकर जो है उनको मिल जाती हैं। सेक्शन 43 में फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग द क्लोथ्स, तो आप अपने जो कपड़े हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, हो सकता है कैबिन्स प्रोवाइड किए जाएं, हो सकता है जो है अलग से अलमीरा जो है प्रोवाइड की जाए जहाँ पर कि आप अपने कपड़े जो है वो स्टोर कर सकते हैं, या ड्राई करने के लिए फैसिलिटीज दी जा सकती हैं, बैठने के लिए फैसिलिटीज हैं या नहीं है, सीटिंग एरियाज हो सकते हैं, फर्स्ट एड अप्लायंसेज हैं, कोई अगर इंजरी हो जाए तो फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, कैंटीन्स प्रोवाइड करना, इसमें भी कुछ है, जब आप थॉरली पढ़ेंगे तो कैंटीन्स के लिए भी कुछ स्पेसिफिक है कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होना जरूरी है, अदरवाइज कैंटीन का होना जरूरी नहीं है। तो कैंटीन्स ताकि अगर कोई खाना लेकर नहीं आया या जो है वर्किंग है तो वो वहां पर जाकर खाना पीना खा सकता है, या लंच ब्रेक्स में वहां पर जो है वो ब्रेकआउट एरिया में जाकर खा सकता है। एंड शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स, लंच रूम्स, ये सब प्रोवाइड करना, क्रैचेज प्रोवाइड करना, क्रैचेज में अगर कोई वुमेन एम्प्लॉयज हैं उनके अगर बच्चे छोटे हैं तो उन क्रैचेज का यूज किया जा सकता है। आपने यूट्यूब पे कई बार देखा होगा कि गूगल का अगर आप वर्क प्लेस देखें तो वहां पर ये बहुत सारी वेलफेयर फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाती हैं। आपको अगर टाइम मिले या कभी मौका मिले तो यूट्यूब पे जाके गूगल के ऑफिस की जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं उनको ज़रूर एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा। तो उसमें आप देखेंगे कि अगर कोई किसी के पास पेट है, कोई डॉगी जो है किसी ने पाला हुआ है, तो वो भी लेकर आ सकते हैं। वहाँ पर सब्जियाँ भी वहीं पर उग रही हैं, वहाँ पर रेस्ट एरियाज भी हैं, अगर आपको ओवरनाइट वर्किंग है तो आप रात को वहाँ पर सो भी सकते हैं, तो सारी फैसिलिटीज जो है वहाँ पर प्रोवाइड की। तो इसी तरह से क्रैचेज़ के लिए भी है कि अगर वुमेन एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं तो वहां पर क्रैचेस जो है प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो वेलफेयर ऑफिसर जैसे सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, उसी तरह से वेलफेयर ऑफिसर्स हर एक फैक्ट्री में जो है होगा, कहाँ पर, जहां पर कि 500 या उससे ज्यादा जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, और उनकी भी ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन और कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रेस्क्राइब्ड हैं इन द एक्ट। इसके पास पावर है टू मेक द रूल्स और सप्लीमेंट इन दिस चैप्टर। तो क्या पावर्स हैं, क्या अमेंडमेंट जो हैं वो उसमें प्रिस्क्राइब्ड है। वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट, वर्किंग आवर्स में जो ये आई मिसिंग है, वर्किंग है, वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट्स में इन सेक्शंस में डिस्कशन किया गया है। आई नो बड़ा थॉरली, बहुत थॉरो और थोरेटिकल है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट कई बार नहीं बनता है, बट ज़रूरी है, तीनों टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो सेक्शन 51 में वीकली आवर्स जो हैं कि आपको हफ्ते में कितने घंटे जो है आप काम कर सकते हैं, तो ये कुछ रूल्स हैं, कहीं पर फॉलो होते हैं, कहीं पर नहीं भी होते हैं। तो नो एडल्ट वर्कर इज टू रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। तो एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा वो काम ना करें। वीकली हॉलीडेज कितनी होनी चाहिए, कॉम्पेंसेटरी हॉलीडेज कितनी होनी चाहिए, डेली आवर्स नॉट मोर देन 9 आवर्स, कि 9 9 घंटे से ज़्यादा जो है वो कोई भी एडल्ट किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। ठीक है, 9 आवर्स का मतलब यह है कि 9 वर्किंग आवर्स, उसके अलावा हो सकता है कि 1 घंटा या आधा घंटा, डिपेंडिंग कि कौन सी फैक्ट्री में क्या रूल्स हैं, उसमें लंच ब्रेक्स भी होंगे, लेकिन वर्किंग आवर्स जो है वो 9 से ज़्यादा ना हो। उसके अलावा इंटरवल्स रेस्ट के लिए नॉट मोर देन 5 आवर्स बिफोर इंटरवल ऑफ रेस्ट ऑफ हाफ एन आवर। तो अगर 5 घंटे के बाद अगर आपको कोई ब्रेक मिल रहा है तो आधे घंटे का जो है आपको इंटरवल ब्रेक्स मिलते हैं, लंच टाइम जैसे आपका भी होता है, तो नॉट टू एक्सीड 6 आवर्स। तो इसके लिए कुछ एक यहाँ पर डिस्कशंस हैं। देन स्प्रेड ओवर इज नॉट मोर देन 10.5 आवर, नॉट टू एक्सीड 12 आवर्स, इससे ज़्यादा स्प्रेड ओवर कई बार जो है ज़्यादा काम होता है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। नाइट शिफ्ट हैं तो नाइट शिफ्ट में कुछ रूल्स बताए गए हैं कि जैसे फॉलोइंग डे बिगिन व्हेन शिफ्ट एंड, तो जब शिफ्ट एंड हो जाती है रात को, हो सकता है कि 8 बजे शिफ्ट खत्म हुई, और वहां से लेके आफ्टर मिडनाइट वो जो है वो अगला दिन जो है वो काउंट होना शुरू हो जाता है। प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट, ऐसा नहीं कि एक शिफ्ट के बाद दूसरे शिफ्ट में भी जो है उस वर्कर को पेल के रखा हुआ है कि एक के बाद दूसरी शिफ्ट भी जो है लगातार वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं किया जाए, तो उसको बीच में ब्रेक देना जरूरी है। और इसी तरह से एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, अगर कोई आदमी, कोई वर्कर जो है, कोई लेबर जो है वो ओवर टाइम कर रही है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वेजेस जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। हर फैक्ट्री में ऐसा होता है, अगर कोई जैसे नाइट में काम कर रहा है, ओवर नाइट काम कर रहा है, तो उसको खाने का खर्चा हो सकता है दिया जाए, हो सकता है कि उसको अगर उसकी पर डे सैलरी जो है दैट इज 400 रुपीज़, 450 रुपीज़,
तो अगर वो ओवर टाइम काम कर रहा है तो 450 की जगह पर हो सकता है कि उसको 500 रुपये जो है दिए जाएं, तो एक्स्ट्रा वेजेस जो है प्रोवाइड किए जाएं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, यंग चिल्ड्रन जो है उसके लिए प्रोहिबिटेशन है। हम जानते हैं कि 18 साल से छोटी उम्र का जो बच्चा है उससे उसको हम काम नहीं करवा सकते। तो नो चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14 इयर्स इज टू रिक्वायर और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। ठीक है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी होते जाते हैं। ये अमेंडमेंट जो है अभी रिसेंटली हमें पता है कि हम 18 साल से कम की उम्र का जो लड़का है या लड़की है वो उसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं। तो चाइल्ड मीन्स अ पर्सन, ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15 इयर्स ऑफ एज। इन सब टॉपिक्स के अलावा कुछ सप्लीमेंटल जो हैं इसमें एड ऑन किए गए हैं, जैसे दोज थिंग्स दैट अपील्स, जस्ट लाइक डिस्प्ले ऑफ नोटिसेस। कोई भी नोटिस है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, आपके कॉलेजेस में भी नोटिस बोर्ड्स होते हैं तो वहाँ पे डिस्प्ले किया जाए। सर्विस ऑफ नोटिसेस, रिटर्न्स जो उनको मिलने वाले हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ द वर्कर्स या उनको क्या पे एंड पर्क्स हैं, आगे छुट्टियां होने वाली हैं, या राइट ऑफ वर्कर, ये कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्प्ले करनी ज़रूरी है कि आपके वर्कर के क्या राइट्स हैं, सो दैट इन एनी केस अगर किसी लेबर के साथ कोई शोषण होता है तो उस कंडीशन में ही मस्ट नो कि उसके राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स वाइल डूइंग वर्क इन दिस फैक्ट्री।